नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएल लाइव और मैं हूं चंदन। जिस तरह से शहर में कोरोना की महामारी जिस तरह से लगातार फैलती जा रही है और जिला प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मूड में आ चुकी है, आप देख सकते हैं यहां पे कि कैसे एएसडीएम जो चंदन कुमार हैं, ट्रैफिक इंचार्ज शाहजहां खान हैं, मुफस्सिल के थानाध्यक्ष राम विचार राम हैं, ये तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर सघन वाहन की जाँच की जा रही है। जो लोग अगर बिना मास्क के पाए जा रहे हैं तो उन पर प्रशासन बिल्कुल सख्ती से निपटने के लिए तैयार है। और जैसा कि कल भी हमने आपको दिखाया, लगातार हम कोरोना से जो एक जो जुड़ी अपडेट है वो हम आपको लगातार दे रहे हैं कि प्रशासन कितनी सख्त है। जो कोरोना जैसी महामारी अब शहर में धीरे धीरे फैलती जा रही है, हम जो एएसडीएम है चंदन कुमार, इनसे बात करेंगे। सर, लगातार अब आप लोग सड़कों पर उतर चुके हैं, अभियान चला रहे हैं, क्या लोग कुछ जागरूक हो रहे हैं? हाँ, कल के बनिस्बत आज लोग बहुत जागरूक हो गए हैं और सभी गाड़ी में भी सिंगल सिंगल लोग बैठे हुए मतलब नज़र आए चेक करने के दौरान। हम लोग गली के दुकान में भी जाके वहाँ पे पता किए, सिंगल सिंगल लोग बैठे हुए थे, मास्क लगा के बैठे हुए थे। जो लोग मास्क लगा के नहीं बैठे थे उनका फाइन किया गया है और ये कोशिश हमारा लगातार जारी रहेगा ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस रहे। और शहर में कोरोना की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है तो अवेयरनेस की बहुत ज़रूरी है और धीरे धीरे ये इम्प्रूव हो रही है। जो इलाके हैं सर, कितने लगभग शहरी जो क्षेत्र के जो इलाके हैं, कितने इलाकों को अब तक सील किया गया है? इसका सर्टेन जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो भी इलाका संक्रमित पाया गया है, पॉजिटिव मिला है, उसको सील कर दिया गया है, वहाँ पे आवाजाही बंद कर दिया है। जो आवश्यक वस्तु की सप्लाई है वो सुचारू रूप से चल रही है और बाकी दूसरे जगह पे ध्यान रखा जा रहा है। और सर, जो ऐसी दुकानें हैं, जो मार्केट कॉम्प्लेक्स हैं जहाँ पे काफ़ी भीड़ लगती है, तो क्या यह माना जाए कि प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है? और अगर भीड़ दुकानों में देखी जाएंगी, बिना मास्क के अगर लोग बैठे जाएंगे, एक से ज़्यादा देखे जाएंगे, तो उन दुकानों को सील भी प्रशासन कर सकती है? हाँ, आज हम लोग बहुत सारे दुकान को ऐसा चिन्हित किए हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा उसका जो शॉपकीपर खुद थे, उसके जो होते हैं रिपेयर करने वाले मिस्त्री होते हैं या उनका जो सेल्समैन होते हैं ज़्यादा संख्या में था, तो उनको जो है उस पर फाइन किया गया है। इवन उनको हिदायत दी गई है कि अल्टरनेट डेज इनको बुलाया जाए, इवन घर पे बैठ के इनसे काम लिया जाए। दूसरी बात है, जो मार्केट कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर सैनिटाइजेशन के लिए इनको जागरूक किया गया है, बोला भी गया है और बहुत जगह पे सैनिटाइज भी करवाया गया। लगातार एटीएल लाइव सर एकदम कोरोना जैसे अपडेट में लोगों को देने के लिए लगा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे एटीएल लाइव के लिए? हाँ, एटीएल लाइव का बहुत अच्छा स्प्रेड है, अच्छा दर्शक है। आई थिंक जो है सोसाइटी में जागरूकता फैलाने के लिए एटीएल का चैनल का बहुत बड़ा योगदान है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा, ये थे एएसडीएम चंदन कुमार। जाहिर तौर पे ये लोग कोरोना जैसी जो महामारी चल रही है उसमें लगातार ये लोग लगे हुए हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। और जैसा कि इन्होंने बताया भी कि कई मार्केट कॉम्प्लेक्स की ऐसी दुकानें हैं जिन्हें चिन्हित भी कर लिया गया है और ऐसे में अब सख्ती के साथ बिल्कुल प्रशासन निपटने के लिए तैयार है। जैसा कि थोड़ी देर पहले दिखाया गया था कि दरबार मार्केट कॉम्प्लेक्स में प्रशासन के लोग गए हुए थे, एसडीएम थे, एएसडीएम थे, तमाम उनके साथ पुलिस बल के जवान थे। तो फिर एक बार वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे यहाँ पे गोपालगंज के मोड़ पे जो लोग बिना मास्क के घूमे पाए जा रहे हैं उनको प्रशासन रोक रही है। देखिए, अभी दो लड़के हैं जो बाइक से बिना मास्क के यहाँ पे, अपने कैमरामैन से कहेंगे, देखिए बिना मास्क के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो शाहजहां खान है जो ट्रैफिक इंचार्ज या फिर ये तमाम जो पुलिस बल के जवान हैं, ये लोग बिना मास्क के जो लोग घूम रहे हैं उनको ये लोग रोक रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर बिना मास्क के ये लोग क्यों बिना मास्क के आप लोग घूम रहे हैं? बोलो, पता नहीं है कि कोरोना नहीं है, कोरोना है या खत्म हो गया? कोरोना है सर, है कोरोना है। बोलो, कहाँ आए हुए थे आप? बताओ, मास्क कहाँ है? मास्क सर गमछी लिए नहीं, तो लगाए तो नहीं थे? अब वहीं लाए, वहीं से लगा कर आ रहे। तुम्हारा मास्क कहाँ है? सर पता नहीं, भूल गए हो? जी, मास्क लगाना भूल गए हो, कपड़े पहनना नहीं भूल गए हो? सर रुमाल था लेकिन लगाया नहीं। क्यों, डर नहीं लग रहा है कोरोना से? डर है, डर तो लग रहा है। यही आलम है, जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिरकार कोरोना जो बीमारी है एक बड़ी बीमारी है और कहीं भी किसी भी वक्त कहीं भी फैल सकती है। तो इसको लेकर के प्रशासन काफ़ी जागरूक लोगों को कर रही है, धीरे धीरे लोग समझ भी रहे हैं, लेकिन जो स्थितियां हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं समझ रहे हैं। तो बिल्कुल आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हम आपको गोपालगंज मोड़ की तस्वीर दिखा रहे हैं कि जो भीड़ गोपालगंज मोड़ पर जो होता है वो बिल्कुल कम हो गया है क्योंकि प्रशासन सख्त हो गई है।
हम कैमरामैन से कहेंगे पीछे के नज़ारा, पीछे के तरफ भी नज़ारा आप दिखाएं कि कैसे प्रशासन बिल्कुल यहां पे खड़ी है और सख्ती के साथ निपटने के लिए अच्छे तरीके। देखिए बस को भी रोक करके और जो एसडीएम है चंदन कुमार, ये लोग बसों में भी जाँच कर रहे हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएँ आप और उन तस्वीर को दिखाएँ, देखिए कैसे बसों की भी जांच की जा रही है कि क्या वाकई में बसों में क्या ज़्यादा यात्री हैं या फिर कैसे क्या है। तो इसको लेकर के तमाम जो प्रशासन के जो लोग हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से लगे हुए हैं ताकि कोरोना जैसी जो महामारी है उससे किसी भी हाल में लोगों को बचाया जा सके। और आपने देखा कि जो एसडीएम है चंदन कुमार, ये तमाम लोग लगे हुए हैं जाहिर तौर पर कोरोना जैसी महामारी को भगाने के लिए, और लगातार यहाँ पर फाइन भी हो रही है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि लोग कोरोना के प्रति कितने जागरूक हो पाते हैं। हमारे सहयोगी नजर आलम के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव, गोपालगंज मोड़, सीवान।